पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि जो है कॉल सेंटर का, कोडिंग का, वेबसाइट का, ये सब फोटो रिमूव, वीडियो रिमूव, वकील का, ये सभी जो है एआई की मदद से ये सब चीज किया जा रहा है। अब आगे हम समझते हैं, तो पार्ट टू में आपका स्वागत है। देखिए, हमने वीडियो के बारे में बताया, अब उसके बाद आता है कि अब जो किसी बिजनेस मॉडल को अब आगे अगर हम बढ़ाना है, यहाँ पे एक और चीज आता है, जैसे कि आपने फिल्म जो है कोई फिल्म बनाया, ठीक है, अब बड़े लेवल पे एक फिल्म बनाया, उसका तमिल में उसका लैंग्वेज है, उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो पहले क्या होता था कि जब फिल्म बनती थी तो तमिल वाले लोगों को, जो हिंदी वाला कॉमेडियन होता है या लोग होते हैं, उसको एक आदमी को रखा जाता है और अलग अलग एम्प्लॉय रहता है कि अलग अलग काम होता है कि उसको डबिंग करे। अगर फिल्म को कन्वर्ट करना है, लैंग्वेज अलग अलग चेंज करना है, तो क्या होता था यहाँ पे कि उसकी मदद, इंसान की मदद लिया जाता था। लेकिन अब उसकी भी, जो वॉइस ओवर करता था उसकी भी नौकरी खतरे में है। अब यहाँ पे वॉइस ओवर करने वाले की भी जरूरत नहीं है, एआई ने खत्म कर दिया। ऐसे बहुत सारे अब वेबसाइट अवेलेबल हो गए हैं, बहुत सारे वेबसाइट वाले आ गए कि भाई एक काम करो, हम आपको फिल्म डबिंग करने के लिए एक वेबसाइट हम बनाना चाहते हैं, आप कितना पैसा लीजिएगा हमसे। तो ये लगा ठीक है, अब इतना पैसा दे दो, जो भी पैसा है वो डील हो गई, एक वेबसाइट बन गई। एक वेबसाइट बनाने के बाद एक वेबसाइट बन गया। अब वेबसाइट बना तो अब जो फिल्म वाले सब होते हैं, जो कि वेब सीरीज बनाते हैं या फिर फिल्म बनता है, तो वहां पे क्या हुआ कि भाई बोला कि हमारे वेबसाइट पे लाके अपना वीडियो अपलोड करो, फिल्म अपलोड करो, हम उसको जो भी लैंग्वेज बोलोगे ना, वो लैंग्वेज में हम आपको डबिंग करते दे देंगे, पता भी ना चलेगा कि ये किसी और लैंग्वेज में डबिंग किया गया है। तो ये क्या होता है कि जब एआई क्या करता है कि जो वीडियो आप अपलोड करोगे ना, तो उसको पहले पढ़ेगा, मतलब कि उसको उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर ले, वो लोग समझेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, और सेम टू सेम डुप्लीकेट आवाज में जो भी कॉमेडियन, फिल्म का हीरो हो, हीरोइन हो, कुछ भी हो, उसका सेम टू सेम आवाज कॉपी कर लेगा और उसी आवाज में हिंदी में बोलेगा। तो सामने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। पहले क्या होता है, और जब डुप्लीकेट होता था ना, तो एक इंसान जब वॉइस बोलता था तो पता चल जाता था, मजा नहीं आता था वो फिल्म में, या डबिंग किया हुआ है यार, कोई और बोल रहा है, जो हीरो की असली आवाज है वह ही नहीं। लेकिन अब यहाँ पे ये टेंशन ही खत्म हो गया, फिल्म का डायरेक्ट वेबसाइट पे आप अपलोड करो वो फिल्म, और उसके बाद उसका कोई सा भी लैंग्वेज में, तेलुगु में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, जो भी लैंग्वेज आप करो, वो क्या करेगा, सेम हीरो की आवाज में वो लैंग्वेज डुप्लीकेट कर देगा। ये हो गई। उसके बाद अब अगर न्यूज आप बनाना चाहते हैं, एक और आया, कोई दूसरा आदमी आया, भाई हम क्या करेंगे, हमको चाहिए कि न्यूज वेबसाइट बनाना है, किसी न्यूज चैनल को चलाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एआई अवतार बनाना पड़ेगा, मतलब इमेज जनरेट करेंगे, वीडियो जनरेट करेंगे, जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। एग्जिस्ट का मतलब कि दुनिया में वो इंसान हो ही ना। तो क्या हुआ, ऐसे मिड जर्नी, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है, आपको मिड जर्नी है, कशा हुआ, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जो फ्री इमेज आपको जनरेट करके दे देगा। अब ऐसा इमेज जनरेट करके देगा जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता और बिल्कुल काफी राइट फ्री है। इंटरनेट पे आपको मालूम है, जबकि इंटरनेट पे जब आओगे तो आपको मालूम होगा कि इंटरनेट पे कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलता है, हर चीज आपको खरीदना पड़ता है, चाहे वो फोटो हो, इमेज हो, म्यूजिक हो, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, बोलना हो, कुछ भी हो, यहाँ पे जो भी चीज़ है, अगर इंटरनेट पे पैसे कमाने के इरादे से आए हो तो वहाँ पे, यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती है, इतना बात याद रखो। तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट आ गए, मिड जर्नी मान लो, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट आ गए जो कि कहा कि भाई ठीक है, हम एक ऐसा वेबसाइट बनाना चाहते हैं जो एआई से हमें ज्वाइन कर लो, पार्टनरशिप कर लो, कि हम किसी, कोई भी बंदा अगर कुछ लिखेगा, मान लो कि एचडी फुल एचडी में हमें एक इमेज चाहिए जो कि न्यूज एंकर हो, इंडियन न्यूज एंकर हो, ठीक है, और उसको, उसके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए, वो हंसती हुई दिखनी चाहिए, और उसके फेस पे बहुत ही थोड़ा सा हॉट होना चाहिए, मतलब कि अच्छा जवान होनी चाहिए, इस तरह से हम एक इमेज जनरेट करना चाहते हैं। तो वो वेबसाइट ये सारे चीज जब लिखोगे तो वो एक इमेज इंडियन जो इंडियन वुमेन होगा, एक ऐसी साड़ी में या फिर एक सूट बूट में एक ऐसी लड़की का फोटो बना के दे देगा जो कि एंकर लगेगी देखने में। मिड जर्नी पे जाओगे, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है, इंटरनेट पे सर्च कर लेना, बहुत सारे वेबसाइट है, ठीक है, नहीं तो कमेंट करना कितने लोगों को पता है ये सब सारे चीज। उसके बाद जो है ये वेबसाइट में इमेज जनरेट करके दे देगा। अब वहां पे इमेज साइज प्रॉब्लम होता है कि इमेज साइज कौन सा होना चाहिए, यूट्यूब पे तो इमेज साइज 1080 जो है आपको 1080x720 होता है, एक 1080 होता है, फुल एचडी में होना चाहिए या फिर 4K में होना चाहिए, जैसा इमेज आप लोगे। पोर्ट्रेट में अगर आप लेना चाहते हो, जैसे कि एक इंसान ऐसे नॉर्मल है तो बैकग्राउंड का रखने पड़ता है उसे, पोर्ट्रेट में आपको इमेज जनरेट करना है। अब इमेज जनरेट कर तो लिए, अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, तो आपको एक वेबसाइट और आ गया सामने कि भाई हमारे वेबसाइट पे आ जाओ, हम आपको इमेज से वीडियो बना के दे देंगे। आप दूसरा वेबसाइट वाला बोला एक काम करेंगे भाई, हमें ऐसा एक वेबसाइट बना के दे दो, इससे ज्वाइंट हो गया, ज्वाइंट हो गया, हमें ऐसा वेबसाइट बना के दे दो ताकि हम किसी लोगों को जो है ना इमेज जनरेट करवा, इमेज जो जनरेट देगा ना ये, हम उसको बुलवा सकें, कि कोई भी लैंग्वेज में बुलवा सकें, वो कर दो। तो इसे ज्वाइंट हो गया। अब आपको ये कह रहा है कि भाई अगर आपके पास इमेज है, कोई भी चीज अगर आप बुलवाना चाहते हैं इमेज से, तो ठीक है आ जाओ। वैसे ये एक DID वेबसाइट है, DID या फिर टॉकिंग हेड वेबसाइट है, टॉकिंग हेड वेबसाइट ऐसा है या DID वेबसाइट है,
फ्री में आपको एक एक मिनट की वीडियो बनाने देगा। वो कहेगा कि आप वीडियो इंस्टॉल कर फोटो अपलोड करो और उसमें क्या लिखना चाहते हो, या वॉइस ओवर का जो कोई भी वॉइस ओवर तुम्हारे पास है यानी कि आपने रिकॉर्डिंग करके रखी है तो उसमें अपलोड कर दो, एक मिनट की अपलोड कर दो और हम आपको वो वॉइस ओवर में वीडियो वो फोटो का वीडियो बना के दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, खाली आप लिख के दो वो फोटो बोलने लगेगा। अब ये सिस्टम हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज हो गया, ये तो हो गया बनाने वाला, फिर वीडियो लंबा हो रहा है, अगली पार्ट करना पड़ेगा यार। इसकी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है और दुनिया में इतने सारे चीज बन रहे हैं कि बता नहीं सकता हूँ। तो इसके ऊपर तीसरी पार्ट आने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर लेना और हमें फॉलो कर लेना अगर इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो।